चुनाव में इस बार बीजेपी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने विशेष प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों का रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, जिस पर टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी पर हमला बोलेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के 5 सालों की नाकामियों को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इस बार बीजेपी को घेरने की कई रणनीतियों पर कांग्रेस में काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार खास रिपोर्ट कार्ड बनवाया है, जिसमें पिछले 5 सालों में बीजेपी की नाकामियों को शामिल किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कहते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कितनी खराब रही है, ये जनता को बताया जाएगा, जिससे जनता बीजेपी को उसी के आधार पर नंबर दे सके। अध्यक्ष सचिन पायलट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूनिक तरीके से इस बार घोषणा पत्र, जिसको जन घोषणा पत्र आपने नाम दिया है, लोगों के सुझाव शामिल होंगे? देखिए, बीजेपी क्या करती है, खुद की मन की बात थोपती है, लोगों को क्या चाहिए नहीं चाहिए वो देने का काम करें, लेकिन पब्लिक क्या डिमांड करती है, नौजवान क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, उनके मुँह से सुनकर अगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको हम पूरा करें तो बेहतर है। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन, मोबाइल से, फेसबुक पे, टेलीफोन, अखबार, हर तरह से लोग अपनी बात बोल सकें, उनके सुझावों को सुनने के बाद हम अपना घोषणा पत्र तैयार करें। किसान और युवा, इन पे विशेष फोकस है आप? मैं तो समझता हूँ इस प्रदेश में बाकी सब चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और किसानों के ऊपर जो भयंकर आर्थिक संकट आया हुआ है उसका निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इन दो मेन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी इसमें महिलाएं भी हैं, गरीब भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी, अगड़े पीछे, सबका ध्यान रखेंगे। लिस्ट का इंतजार हो रहा है कब तक? दिवाली के बाद हम लोग अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। आप सर कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इसका निर्णय राहुल गांधी जी करेंगे, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी पार्टी को जिताने की है। रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस कई स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल कर रही है, जिसमें किसान की खराब आर्थिक स्थिति, रोजगार देने के सरकार के वादे, प्रदेश में पिछले 5 सालों में खनन, महिला सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा वाइज स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फीडबैक भी लिया। कांग्रेस की मीडिया टीम की प्लानिंग है कि जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार की विफलताओं की कैंपेनिंग की जाए। सरकार से हम लोग संभाग में जा रहे हैं, हर जगह पे हमारे जो बड़े नेता हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसे आज हुड्डा जी ने किसानों के बारे में की। हर संभाग के जो लोकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, हर संभाग के अपने खुद के इश्यू हैं, हर संभाग की खुद की अपेक्षाएं, तो वो हम चाहेंगे कि मीडिया सेल के माध्यम से उन इश्यूओं को बाहर लाया जाए। किस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने लोगों का शोषण किया और कांग्रेस जब आएगी तो उनके लिए क्या करेगी, ये दो मुद्दे रहेंगे। हम मुद्दों से इस बार भाजपा को नहीं भटकने देंगे। दरअसल कांग्रेस ये समझती है कि बीजेपी की नाकामियों और मुद्दा आधारित चुनाव लड़कर ही विधानसभा के रण में सफलता पाई जा सकती है, इसलिए कांग्रेस ने समय रहते ही एक विशेष योजना तैयार कर ली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या उसके लिए सफलता का रास्ता बनता है और क्या इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही वो सत्ता में वापसी का ख्वाब पूरा कर पाती है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।